अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उन हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी भी स्टडी किस ब्रांच में होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स मीन डिराइव कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका नाम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अभी सिर्फ ये देखो इस कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है, इट मीन्स एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके जो दो हाइड्रोजन थे इसकी जगह पे क्लोरीन लग गया है। अब ये जो न्यू कंपाउंड बना है ये कहाँ से निकला है? इस कंपाउंड से ही निकला है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये इसका डेरिवेटिव है। इट मीन्स ये वाला जो न्यू कंपाउंड है ये इस कंपाउंड से ड्राइव हुआ है। इसको फॉर एग्जांपल नाम दे दो ए और बी, तो जो बी कंपाउंड है ये क्या है? ए का डेरिवेटिव। बी जो है वो ए से ड्राइव हुआ है, ए से ही बना है, ए से ही निकला है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे, ऐसा कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो, एंड द डेरिवेटिव और जो कंपाउंड उनसे बनेंगे उनकी भी स्टडी किस में होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसी भी कंपाउंड के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं दो, ठीक है, तो इसकी स्टडी हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़, कोई भी कंपाउंड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका कोई ऑर्डर है, या इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कॉम्पोजिशन, हमारे पास कोई एक लार्ज कंपाउंड है अगर, तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किन कंपाउंड से मिलके बना है, उसमें कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन से एटम हैं। इसके अलावा रिएक्शंस, के कोई भी कंपाउंड है मेरे पास तो ये कंपाउंड किस तरह के रिएक्शन देगा, वही जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही क्या होंगी? रिएक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन, के उस कंपाउंड को हम बना कैसे सकते हैं, लेबॉरेटरीज़ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इन 1915 एक साइंटिस्ट ब्रेजीलियस, इसने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसमें इसने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सिर्फ एक लिविंग बॉडी से ही हासिल कर सकते हैं और इसे हम लेबॉरेटरीज़ में नहीं बना सकते। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग बॉडी में ही बनते हैं। लिविंग बॉडी इट मींस प्लांट्स और एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल की बॉडी में ही बनते हैं और उसे हम आउटसाइड द बॉडी या फिर लेबॉरेटरीज में नहीं बना सकते। और इस थ्योरी को नाम क्या दिया गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स का मतलब एक स्पिरिचुअल फोर्स। इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए होती है, तभी वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? सिर्फ लिविंग बॉडीज़ में। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट 1928 में आकर डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि एक न्यू साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड है, जब इसने इसे हीट किया तो इससे एक कंपाउंड मिला। जब इसने इस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ स्टडी की तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी थी? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह, जिसे हम कहते हैं यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो कंपाउंड इसे यहाँ पर मिला उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी थी? यूरिया की तरह। तो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसे हम लैब्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो वाइटल फोर्स वाली थ्योरी थी कि 1928 में डिस्कार्ड हो गई। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स में बनाया गया। तो इसने बिना किसी वाइटल फोर्स के, बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के, बिना किसी स्पिरिचुअल फोर्स के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया क्या है? एक एक्सक्रीटरी कंपाउंड है,
जो कि यूरिन में प्रेजेंट होता है मैमल्स के, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से ये बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, एक कार्बन एटम या फिर एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स, ये क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब जो कार्बन एटम्स हैं वो दूसरे एटम से भी लिंक होंगे, इट मीन्स उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ हो सकता है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन, या फिर कोई और दूसरा एटम। आर दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर कार्बन एटम, ठीक है, और लिंक टू अदर एटम लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। बट एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, कोवेलेंटली लिंक। कोवेलेंटली लिंक का क्या मतलब है? इट मीन्स जो एटम्स लिंक्ड हैं उनमें जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग पढ़कर आए ना क्लास 9 में, आयनिक बॉन्ड होता है कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। देख सकते हो हम कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं? डैश, सही, एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करना है, जैसे कि अबाउट वैलेंसी। कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। इट मीन्स एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स, तभी उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी। अब ये जो बॉन्डिंग है ये कार्बन कार्बन में भी हो सकती है और कार्बन और किसी दूसरे एटम में भी हो सकती है। एग्जांपल दी हुई है बुक में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लाइक इथेन और क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल। और अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सबसे पहले सोर्स। तो जैसा कि हमने बात की है अभी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है वो क्या है? लिविंग सोर्स, सही है, कोई भी लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स या फिर एनिमल्स। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं वहाँ से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन चीज़ों से मिलके बना है, किन एलिमेंट से मिलके बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन से बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स किस में आएंगे? कंपोजिशन में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमने बात की, इसमें जो मेजर एलिमेंट है वो कौन सा होगा? कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है, की एलिमेंट और जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो कौन सा होगा? कार्बन। अच्छा, अब कार्बन के बाद जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हम स्टडी ही किसके बारे में करते हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो मेजर एलिमेंट है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, देन डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, फॉस्फोरस और एक वर्ड लिखा हैलोजन्स। हैलोजन्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 7A, क्लास 9 में पीरियडिक टेबल पढ़ा है। ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोजन्स, जिसमें हमारे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हैलोजन्स। मेन एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब कंपोजिशन में हमने एलिमेंट्स की बात कर ली, अब नेक्स्ट क्या है? बॉन्डिंग। 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप होती है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो ये हमें दोनों टाइप्स के बॉन्ड मिल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सोर्स हो गया कंपोजिशन, अब नेक्स्ट क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखो, कोई भी चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, इसमें कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ये सारे क्या हैं? बॉन्ड्स। अब एक कंपाउंड मेल्ट कब होगा? जब इसके ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जो एटम्स हैं उनके बिटवीन जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, और जो एटम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सॉलिड है तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, गैस में और डिस्टेंस होता है। तो जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, अगर ये सॉलिड है
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गए, जो फोर्स थी वो ख़त्म हो गई, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, ठीक है। अब अगर कोई लिक्विड है उसके बिटवीन भी फोर्स है, तो जब हम हीट और ज़्यादा देंगे तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी ब्रेक हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे और एक कौन सी स्टेट बन जाएगी, गैशियस स्टेट। इट मीन्स जो लिक्विड था वो बॉयल हो रहा है। अच्छा, अब जो हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कौन सा है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है, थोड़ी सी भी हीट देंगे हम ब्रेक हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या फिर लो होगा। तो इस वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी होगी या फिर ज़्यादा। बॉन्ड वीक है जल्दी ब्रेक हो जाएगा, कम एनर्जी देनी होगी, कम हीट देनी होगी। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है वो किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। हर कंपाउंड हर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में हर तरह के कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो एक रूल याद रखो, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उस तरह के ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। हमारे पास कैसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक, सही, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और अल्कोहल्स और ईथर्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या वाटर में डिसॉल्व होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वाटर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है क्या, नहीं है। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे। तो ये बात याद रखना, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सॉल्यूबल है, ऑर्गेनिक वाटर में इनसॉल्यूबल है। अच्छा, अब जो हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं वो अल्कोहल्स में सॉल्यूबल होंगे। इसके अलावा जो नॉन पोलर हैं वो बेंजीन और ईथर्स में सॉल्यूबल होंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाई टेम्परेचर पे ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। उसके बाद है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, बर्न करना। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, किसकी प्रेजेंस में हम किसी भी कंपाउंड को बर्न कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। यही वो रिएक्शन है जो हम रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंबस्शन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो कार्बन फौरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर कंबस्टेबल। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड कितने जल्दी किसी दूसरे कंपाउंड से, किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है, ये एबिलिटी क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो कम है, वो इतने जल्दी दूसरे कंपाउंड से या फिर दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता। अब अगर हमने उसे रिएक्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैसे कंडीशन, कि हम कोई कैटलिस्ट यूज़ कर लें, हम वहाँ पर कोई प्रेशर अप्लाई कर दें, हम वहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर दे दें, तब वो कंपाउंड रिएक्ट कर सकेगा। हर रिएक्शन के लिए कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H4, हमें क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। अब ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएक्टिविटी इसकी लो है, ये ऐसे खुद से रिएक्ट नहीं करेगा। हमने क्या करना होगा, कुछ कंडीशंस देनी होंगी। जैसा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल निकल। तो अब क्या होगा, ये C2H4 और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोडक्ट
फॉर्म होगा। और साथ ही हम यहाँ पे कुछ टेम्परेचर भी देते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? जब चार्जेस मूव करते हैं। अच्छा, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है। कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास चार्जेस नहीं आते, वो कहाँ पर आते हैं? आयोनिक बॉन्ड। अगर आयोनिक बॉन्ड याद हो तो वहाँ पर क्या होता है? दो चार्जेस होते हैं और वो आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड क्योंकि चार्जेस से बने हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जब चार्ज मूव होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है CH4, ये चार्जेस से मिलके नहीं बना। सी, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, यहाँ पर कोई चार्जेस फॉर्म नहीं हुए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। रीज़न, कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें आयंस नहीं प्रेजेंट है, चार्जेस नहीं प्रेजेंट है।